ओके सपोज आई हैव एन इक्वेशन, लाइक मैंने तुम लोग को इक्वेशन दिया, कौन सा इक्वेशन दिया, ये वाला 3m² प्लस 2m - 7 = 0. टिल नाउ वी वर डूइंग विद फैक्टराइजेशन, राइट? सो इक्वेशन इज नॉट रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द इक्वेशन, देयर इज अ मिस्टेक विद द मेथड. फैक्टराइजेशन इज नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर. That's the reason we go to other methods. हम दूसरे methods में जाते हैं, right? मैं तुमको बताया था starting में था 3 methods. First is factorization. Second is completing the square method. And the third method is formula method. Clear है? Clear है? अब completing the square method is exercise 2.3. formula method is exercise 2.4. but first we are going to start with formula method and factorization was exercise 2.2. jisko clear nahi hai please ab tak wapas please karo please. bahut logo ka ye bhi factorization mein ab tak clear nahi hai, please do it. okay, completing the square method we are going to do last mein, first we are going to do formula method. okay, so this questions can't be solved with factorization, or it is very difficult to solve with factorization. That's the reason we come up with new methods. That's how it is, right? Science is वो ऐसा ही होता है. जैसे तुम लोगों ने क्या पढ़ाया था साइंस में, डॉबर नया स्टार्ट पढ़ाया था, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं था, तो वी वेंट टू न्यू लैंड. याद आ रहा है तुम लोग को कि नहीं याद आ रहा है? न्यू लैंड एप्लीकेबल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे. तो साइंस चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था, वो ऐसे ही होता है. तो जो मेथड एप्लीकेबल नहीं है उसको हम डिस्कार्ड करके, मतलब ये कर सकते हैं. देखो फैक्टराइजेशन का फायदा है वो बहुत छोटी तरह से अपन कर सकते हैं, बहुत सिंपली तरीके से, लेकिन हर नंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं है. लेकिन ये जो मेथड्स है वो बहुत ज्यादा तुम्हारे सिलेबस के लिए, ऑलमोस्ट सबके लिए पॉसिबल है, तो टेंशन नहीं है तुम लोगों को. नाउ कैन वी स्टार्ट, कैन वी स्टार्ट? नाउ फॉर स्टार्टिंग दिस यू शुड नो सम बेसिक्स, यू शुड नो सम बेसिक्स वेरी क्लियरली. फर्स्ट यू शुड नो the general form of quadratic equation. क्या होता है बच्चा general form of quadratic equation? Tell me. What is general form of quadratic equation? The general form of quadratic equation is ax² plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers, they are the values. Clear hai bachcha? They are the values. So the very first thing that we have to learn in this exercise is the general form. Ab cheez yaad rakhna, sometimes the equation is not in general form, so we have to make it in general form. You getting me? Aapko samajh raha main kya bol raha hu? Like for example, let us see exercise 2.4, question 1 ka first wala. Inhone kuch equations diye hai, us equations ko apne ko kya karne ka hai, general form mein pehle to compare karna hai, convert karna hai, aur uske baad apne ko abc ki value nikalni hai. We have to find iski value. They are the constant value. Can we start, bachcha? Can we start? x² minus 7x plus 5 equal to 0. Now, we have to compare this. Comparing with general form. General form kya hai? ax² plus bx प्लस सी इक्वल टू 0. हर जगह प्लस है बच्चा, यहाँ पर माइनस है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हमको प्लस में कन्वर्ट करना होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टेल मी कैसे लिख सकते हैं इसको हम? हाँ कैसे लिख सकते हैं, बोलो कैसे लिख सकते हैं?
कैसे लिख सकते हैं? बोलो बच्चा क्या कर रहे हो, इसको अपन जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी, कोई तो बोलो बच्चा ऐसे क्या कर रहे हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। अरे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है ना। सो इफ आई कंपेयर दिस विद जनरल फॉर्म, नाउ व्हाट आई विल गेट, एक का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, एक्स स्क्वायर को इक्वेट करो, कुछ नहीं होता तो वन होता, तो एक का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, वन होगा। वैल्यू ऑफ बी, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत, सेवन बोला तो गलत, क्यों, क्योंकि देखो माइनस सेवन है, प्लस है और माइनस सेवन एक्स है, तो ये बी का वैल्यू माइनस सेवन हो जाएगा। अगर माइनस है बच्चा तो लिखने का है वो, देखो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस आ गया जनरल फॉर्म में, देखो एक्स आ गया प्लस आ गया, प्लस आ गया एक्स आ गया, बच्चा माइनस सेवन, तो बी का वैल्यू माइनस सेवन होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, अरे क्लियर है कि नहीं। फिर सी का वैल्यू क्या आएगा, सी का वैल्यू एज इट इज फाइव, अगर यहाँ पर माइनस फाइव होता तो माइनस फाइव होता, लेकिन फिलहाल के लिए प्लस फाइव है, नो डाउन कर दो इसको। नोट डाउन कर दो इसको कर दिया नोट डाउन कर दिया इसको। अब नेक्स्ट वाला देखो, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेकंड वाला एग्जांपल। वीडियो रिकॉर्डिंग YouTube में तो नहीं लाऊं वीडियोस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, अभी तुम लोग ट्राई करो इसको, चलो y स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन वाई, अब कौन बताएगा मेरे को, इसको जनरल फॉर्म में लाना है अपने को, ए बी सी चाहिए अपने को। मैंने क्या बोला, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने का सब लोगों को, तो कैसे आएगा ये, कैसे करेंगे इसको, देखो y स्क्वायर माइनस सेवन वाई, लेकिन जनरल फॉर्म में c भी होता है, तो बच्चा आप क्या करोगे बोलो, नहीं प्लस वन करेंगे तो फिर वन तो नंबर है बच्चा एक, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन नहीं रहेगा। अगर मैं प्लस वन करता हूं तो ओरिजिनल इक्वेशन नहीं होगा, मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि जिससे मेरे को सी भी मिल जाए और मेरा इक्वेशन वैसा का वैसा ही रहे, ऐसा कौन सा नंबर है। प्लस वाई कर दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, देखो तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सिक्स वाई, और ये तो अलग हो गया ओरिजिनल इक्वेशन से, ओरिजिनल इक्वेशन से अलग हो गया। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं ऐड करूंगा तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, ऐसी कौन सी चीज है, हाँ किसने बोला जीरो, किसने बोला जीरो, एक्सीलेंट बच्चा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो ऐड करने पे इक्वेशन ओरिजिनली रहेगा, चेंज भी नहीं होगा। तो जब भी अपने को लगता है कुछ खाली है, कुछ अधूरा है जीवन में, तो जीरो डाल देने का, जीरो विल कम टू द रेस्क्यू। कि बच्चा ये थर्ड सम है, बच्चा ये थर्ड सम है, सॉरी मैम रियली सॉरी, ये थर्ड सम है बच्चा, ठीक है ये थर्ड सम है। तो इसमें क्या आएगा, कंपेयर करो, अभी कंपेयर करो, कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करोगे, हाँ जनरल फॉर्म क्या होता है बोलो, सब गड़बड़ा गए ना, सब गड़बड़ा गए, ये पूरा इक्वेशन y के टर्म्स में है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन y के टर्म्स में है, ये पूरा इक्वेशन y के टर्म्स में है। तो बच्चा we'll compare with ay square, देखो मैं बताता हूँ तुम लोगों को अच्छे से लिख करके, we'll compare with ay square plus by plus c equal to zero, जब x के टर्म्स में होगा तो x के टर्म्स में लिखो, लेकिन जब y के टर्म्स में होगा तो बच्चा देखो ये सिली मिस्टेक्स है, इसके तो 40 और 40 नहीं आते मैथ्स में, इधर मॉडरेटर मिस्टेक चेक करता है, इधर मॉडरेटर मिस्टेक देखता है तुम्हारी, फिर तुम लोग बोलोगे हम तो सब सही तो किया था, बच्चा ये बेसिक मिस्टेक है, इसका पता है, इसमें अगर मिस्टेक करते हो ना, इसके बदले अगर तुम ए स्क्वायर लिखते हो प्लस बी एक्स लिखते हो, पता है क्या मालूम पड़ता है उससे, तुमको कंसेप्ट नहीं समझा, तुम रट के गए हो,
इससे ये मालूम पड़ता है, और ये बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे उसका। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो इसका बताओ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा वन, बी का वैल्यू, अब कोई का बच्चे सेवन बोलेंगे, एग्जाम में लिखकर भी सेवन आएंगे, देखना पूरा साल भर मैं सिखाऊंगा ना, टेस्ट में भी गलत करेंगे फिर भी एग्जाम में सेवन लिख कर आएंगे कुछ बच्चे लोग। अभी क्या करने का उनका, बच्चा माइनस सेवन आएगा, जनरल फॉर्म में प्लस है इधर माइनस है तो माइनस सेवन आएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस सेवन वाई प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर प्लस है, तो बी के जगह पे क्या आएगा माइनस सेवन। तुम लोग को समझ रहा है मेरे बच्चों, समझ रहा है बेटा? देखो मैं तुम लोग को ना बता रहा हूँ मिस्टेक्स किधर होती है, मैं ना मैं चाहता हूँ तो ये दो मिनट में भी खत्म हो सकता है, लेकिन मैं तुम लोग को आराम आराम से क्यों बता रहा हूँ, तुमको मालूम पड़े मिस्टेक किधर होती है बच्चा। तुम लोग को जब तक मिस्टेक नहीं समझ, देखो तुम लोग सब लोग करोगे ऐसी मिस्टेक, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, देख लेना विद द ईयर कितने टेस्ट होंगे और कितनी मिस्टेक करोगे तुम लोग, देख लेना। एंड सी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा जीरो, सी विल बी जीरो, सी का वैल्यू जीरो है। क्लियर है, इतना नोट कर दो, इतना नोट डाउन कर लो, इतना नोट डाउन कर लो, इतना नोट डाउन कर लो, इतना कर लिया नोट डाउन, इतना नोट डाउन कर लो, कर लिया, चलो ठीक है नोट डाउन कर लिया इतना। तो अभी सेकंड सम तुम लोग ट्राई करना, फर्स्ट वाला मैंने कराया, थर्ड वाला मैंने कराया, सेकंड वाला तुम लोग ट्राई करो अभी के अभी, चलो आई गिव यू टाइम। बच्चा सेकंड वाला ट्राई करो, क्वेश्चन लिख के देता हूं मैं, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5, चलो करो इसको, a b और c की वैल्यू बताओ, चलो करो a b c की वैल्यू बताओ, टेल मी ए बी सी की वैल्यू, कम ऑन फर्स्ट कन्वर्ट इट इन जनरल फॉर्म, व्हाट विल यू हैव, 2m स्क्वायर, वेट 2m स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस फाइव बाई एम, और ये माइनस फाइव इधर आएगा तो प्लस फाइव, नाउ कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू जीरो। बच्चे लोग बोलेंगे m कहाँ से आ गया, बच्चा वेरिएबल m है यहाँ पर, नाउ वेरिएबल यर इज m, देखो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा a का वैल्यू 2, b का वैल्यू, अब बच्चे लोग वापस चिल्ला के बोलेंगे 5, और बच्चा माइनस है यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा माइनस 5, और c का वैल्यू 5। क्लियर है कि नहीं, नोट डाउन कर लो, सिस्टमेटिकली लिखने का, कंपेयर करना आना चाहिए अच्छे से, कंपेयर करने जाएगा तो बहुत फंस जाओगे तुम लोग। चलो इसका कंपेयर करके बताओ मेरे को, ये सीख गए तुम लोग,